ब्रिटिश बैकपैकर्स सोसाइटी ने इसी हफ्ते अनाउंस किया है कि पाकिस्तान थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉर एडवेंचर इन 2020। सोसाइटी के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि जो सैमुअल जॉनसन है उन्होंने न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान इज़ अ ट्रैवल जेम एंड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्साइटिंग ट्रैवल डेस्टिनेशंस राइट नाउ। पाकिस्तान के जो एक दौर में 1970s और 80s में पाकिस्तान हिपी ट्रेल जो यूरोप से एशिया बैकपैकर्स और दूसरे टूरिस्ट आते थे उनकी एक बड़ी उनके लिए बड़ी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन थी, और अब दोबारा से जब से पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होनी शुरू हुई है पाकिस्तान एक दोबारा से टूरिज़्म पाकिस्तान में फ्लरिश कर रहा है। इसी साल अभी दिसंबर में ही US ट्रैवल मैगज़ीन ने पाकिस्तान को टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन 2020 के लिए कहा था कि ये टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसी तरह लग्जरी ट्रैवल मैगज़ीन है दे ऑल्सो नेम्ड पाकिस्तान एज इट्स वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हिमालय माउंटेन की जो फुट हिल्स हैं वो सारे के सारे एरियाज़ टूरिज़म के लिए ट्रैवलिंग के लिए बड़े अट्रैक्टिव लोकेशंस हैं। वहाँ पे वॉकिंग ट्रेल्स हैं, बड़ी खूबसूरत वैलीज़ हैं, गोर्जेस हैं, और बड़ी बड़ी दुनिया की जो माउंटेंस हैं वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के शहर हैं ख़ासतौर पर लाहौर है, इसमें जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं मुग़ल एरा की, सिख एरा की, और इवन प्री मुग़ल एरा की बिल्डिंग जो पाई जाती हैं पाकिस्तान में, वो भी टूरिस्टों के लिए बहुत अट्रैक्शन का बायस हैं। और अब पिछले 2-3 साल से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है पाकिस्तान में, उसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इज़ ए वेरी वेलकम प्लेस फॉर टूरिस्ट। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी वीज़ा के प्रोसेस को काफ़ी रिलैक्स कर दिया है टूरिस्ट के लिए। वीज़ा हासिल करना पहले की निस्बत बहुत आसान हो गया है। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो होटल्स की इंडस्ट्री है और ट्रैवलिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने पे भी फोकस करेगी, ताकि जो बिज़नेस आ रहा है ये ग्रो करे और पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री ग्रो करे।